फ्रेंड्स, एक्सेल में हम किन्हीं दो नंबरों का मल्टीप्लाई, डिवीजन, जो कुछ भी हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 20 इंटू अगर हम 5 करते हैं तो अपनी इधर वैल्यू आ जा रही है 100। लेकिन गाइस, जब हमारी कोई एक वैल्यू किसी यूनिट में, जैसे किलोमीटर या मीटर या लीटर, इनमें से किसी में होती है और हम उनमें अगर कोई फार्मूला यूज करना चाहें, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है गाइस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से विथ यूनिट आप कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला एक्सेल में आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको वो रेंज, वो सेल एड्रेस आपको सिलेक्ट करना होता है जिस पे आप ये फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। देन फ्रेंड्स, आपको होम टैब के ही नंबर ब्लॉक में डायगोनल जो एरो रहता है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ कि आपको सबसे लास्ट में कस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको साइड में जीरो का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको उस पे क्लिक करना है। एंड टाइप पे आपको ऊपर इधर क्लिक करना है। आपको एक स्पेस देने के बाद डुअल कोड लगाना है और यहाँ पे वो यूनिट का नाम जो कि आप उस सेल रेंज में जो आप सिलेक्ट किए हैं चाहते हैं। हम किलोमीटर चाहते हैं तो KM कर देंगे। एंड गाइस, ये डुअल कोड अपन बंद कर देंगे, ओके कर देंगे। एंड अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर एंटर करते हैं, जैसे 10 किया, 63 किया, तो आप इधर देख पा रहे होंगे अपने आप ये यूनिट एक्सेप्ट कर रहा है। देन फ्रेंड्स, अब इधर अगर हम चाहें तो यही फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू एंटर करेंगे, हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। ड्रैग ड्रॉप कर देंगे, सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो होप है गाइस कि मैं आपको समझा पाया हूँ किस तरह से आप एक्सेल में किसी भी यूनिट के साथ भी कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।